हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुकुमन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। जय माता जी। यहाँ पर मैंने काकड़ी, टमाटर, मिर्ची, कड़ी पत्ता ये सब मैंने कट कर लिया है और अभी मैं बना रही हूँ कान्हा जी के लिए भोग। जैसे कि आप लोगों को पता है ब्लॉग में तो अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, मैं ब्लॉग में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने लड्डू गोपाल घर में स्थापित किया है, तो फिर उनके लिए मुझे खाना वगैरह क्या बनाना होता है सादा सिंपल वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने दही ले लिया है, तो दही के साथ में सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए, हल्दी, धनिया, गरम मसाले जो भी है मैं ऐड कर रही हूँ। और कढ़ाई यहाँ पर गरम हो जा रही है और इसमें मैं डालूँगी घी। तो घी मैंने डाला है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने जीरा। अब जीरा डालने के बाद में इसे हमें अच्छे से, जैसे मिर्ची हो गया, इसमें सिर्फ हमें लहसुन और कांदा नहीं चाहिए होता, क्योंकि भगवान लड्डू गोपाल जब उनको भोग बनाना होता है तो उसमें लड्डू, लहसुन और मिर्ची दोनों ही नहीं डालना चाहिए। और मसाले भी अगर हम खरीदते तो उसमें देख लें भाई, उसमें लहसुन कांदा सुखा के भी लोग डालते हैं तो वो तो नहीं है, वो भी आपको चेक करके ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें थोड़ा भी लहसुन और कांदे का भोग नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, बाकी तो बस जैसे हम रहते हैं वैसे उन्हें रखना होता है। तो बस यहाँ पर अभी वो पक गया है और उसे मैंने ढक के रख दिया है। तो अभी मैं फटाफट आटा लगा लेती हूँ। आटा में गर्म मसाले वगैरह, दही, ये सब सब ऐड करके मैं एक डो बनाऊँगी। तो दो बनाने के लिए मैंने, और हाँ यहाँ पर अभी कढ़ाई को मैंने नीचे करके थोड़ा ठंडा होने दिया है। अब इसमें दही डालूंगी, दही में नमक वगैरह डाल के मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी और इसके बाद फिर से मैं 2 मिनट के लिए इसे पकने के रखूँगी, क्योंकि उसे हम अगर गर्म में डालेंगे तो दूध, दही और कुछ भी हो फट जाता है, तो इसलिए मैंने नीचे रख दिया है। और अभी इसे मैं गैस पर फिर से रखूँगी। अब इसे फ्राई करते हैं अच्छे से, मतलब बॉयल आने तक हमें वेट करना है। तो अभी एक बॉईल आ जाए उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये बॉईल के लिए, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं डो। तो यहाँ पे डो हम लगाएंगे, देखिए ये मैंने सिर्फ 2, ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ 2 ही मैंने बनाया है, वो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना है इसलिए। बाकी तो मैंने ऐसे दूसरे खाने बनाए थे जो लहसुन कांदा बच्चे खाते हैं, या सबके लिए लहसुन कांदे वाला बना दिया मैंने। तो अभी यहाँ पर ये देखो अच्छे गरम गरम पराठे और काकड़ी की भाजी। तो चलो हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। यहाँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कितना क्यूट सा सब रेसिपी तैयार है। चलते अब हम भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्यारे प्यारे क्यूट से लड्डू गोपाल जी हैं, तो यहाँ पर हम भोग लगा देते हैं। तो बस भोग लगा दिए हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस तरह से अगर जिस घर में लड्डू गोपाल है तो इस तरह से आप खाना बनाकर शेयर ज़रूर खिलाएं। और भी मैं रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं लड्डू गोपाल की मैं कैसे सेवा करती हूँ, कैसे उन्हें भोग लगाती हूँ, कैसे उनका सारा कुछ मैं यूट्यूब से यहाँ पर शेयर करूंगी। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता जी।